But some of them are for free. There are other ways. But ladies and gentlemen, this is the occasion inauguration of the Islamic art and culture and calligraphy at the Jamia Riyadul Jannah. We have with us Mr. Bob Delaney, member of legislator from Queen's Park, MPP for Mississauga Streetsville, and Honorable Brad Bird, the member of parliament and president and the artist himself. So ladies and gentlemen, this is the ribbon cutting ceremony and we're officially going to open this art exhibition. कुरानी आयात को जाज़बे नज़र रंगों से खूबसूरत अंदाज में कागज़ पर उतारना पाकिस्तानी मुसव्विर नूर जलाल का ऐसा फ़न है जिसकी हर कोई दाद। कनाडा के दो अरकान पार्लियामेंट ने नूर जलाल की इस्लामी खत्ताती की नुमाइश का इफ्तिताह किया और फनकारों के हवाले से translated. What does Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, in the name of Allah, the most merciful, the most gracious. पाकिस्तानी कम्युनिटी की कसीर तादाद ने इस नुमाइश में दिलचस्पी का इजहार किया। Now, this particular piece here, which is how a lot of the services start, Bismillah, this one is very evocative of a very popular style in Western culture. For example, you would call it tie-dye, you would call it psychedelic 50 years ago, and what it takes is the use of form, the use of color, and the use of texture that so many people recognize in Western culture, and it expresses a religious sentiment coming out of Islam, and I think it constitutes a superb bridge between Islamic culture and Western culture. Pakistani musavvir Noor Jalal ne Islami art ke farogh ko apni zindagi ka maqsad bana. Noor Jalal khattati ke shayqeen ko Qurani ayat ke matalib aur is hawale se apni musavvari ke mukhtalif pehluon se. It is the new philosophy and the mythology of Islam. So a blend of जी भाई साबिर ठीक है नहीं मैं साबिर लिख देता हूँ साबिर हाँ जी साबिर साहब ये मैं आपका नाम लिख रहा हूँ और एक डिफरेंट स्टाइल में लिखता हूँ इसको कहते हैं दीवानी साबर साहब ये मैंने आपका नाम लिख दिया आप फोन अब देखिए जी आप ये मैंने आपका नाम लिख दिया है मैं अपने साइन कर देता हूँ साबर साहब के लिए भाई आप आए ना खूबसूरत रंगों से मुजयन इस्लामी खत्ताती की यह नुमाइश कनाडा और अमेरिका के मुख्तलिफ शहरों में जारी रहेगी कैमरामैन साबिर गाया के साथ बदर मुनीर चौधरी जियो न्यूज़ टोरंटो यही काम करना था
आए थे जो इनॉग्रेशन तो हो गई। अच्छा नहीं, हमें जो चाहिए हम मैं आ गया ना। जरूर जरूर जरूर, उसमें है ना वो पब्लिक पासवर्ड है, ये कुछ इंटरव्यू हल्के में उसमें डालने पर। और कैसे हैं आप बदर भाई? खैरियत से? ये जनाब लाहौर प्रेस क्लब के सदर होते थे। हां नहीं, कई चीजें नहीं, हमारे पास सारे क्रीम जो है ना। बहुत माशाल्लाह अच्छी लग रही है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा है तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत राइटिंग में है और समझ भी आ रही है इसकी के बहुत खूबसूरत माशाल्लाह लिखा है। इसके कलरिंग और वर्डिंग जो है सब बहुत खूबसूरत, बहुत इंस्पायर हुई माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त काम है। तो कलर स्कीम तो लिखाई का तो खैर जवाब ही नहीं, हर चीज़ का अपनी जगह पर एक ख़ास। तो माशाल्लाह चश्मे बदूर बहुत ज़बरदस्त साहब। पहले तो मुझे नहीं पता था कि किस तरह की इनकी खताती है, लेकिन माशाल्लाह जब मैंने इनको देखा, इनसे बातचीत हुई और इनके काम को देखा तो लगता है कि वाकई एक माहिर खताट है, देर इज़ नो डाउट। और जैसा कि वो कहते हैं कि वो ट्रेडिशनल और मॉडर्न आर्ट्स दोनों को ब्लेंड करते हैं, तो इनकी खताती देख के लगता है कि वाकई इनमें वो काबिलियत है जो कि एक अच्छे माहिर खतात में होना चाहिए। और देखें, खताती तो बहुत कुछ लोग कर सकते हैं, लेकिन इस्लामिक कैलीग्राफी को इस तरह दिखाना कि वो बोलती है, मतलब तस्वीर बोल रही है। देखें आप इस तस्वीर को देखें, ये तस्वीर खुद बोलती है कि क्या चीज़ है। तो इससे पता चलता है कि जो कैलीग्राफर हैं वो किस, उसकी जहन कहाँ तक पहुँच सकते। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है। मुझे उम्मीद है कि ये फ़र्स्ट टाइम हमने एक कोशिश की है। असल में हमारे सेंटर का एक मकसद ये होता है कि हम अपनी कम्युनिटी को ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ पता दिखाना चाहते हैं कि जो कि इस्लाम में, चूँकि यहाँ पर हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वहाँ इस्लाम से लोग दूर होते जा रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश है कि ऐसे काम, ऐसे चीज़ें हम दिखाएँ अपने कम्युनिटी में, ख़ासतौर यूथ को, ताकि उनको इस्लाम की तरफ आने में मुझसे मदद मिल सके। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा, मतलब कि हमने इनिशिएटिव लिया है हमने, और इंशाल्लाह आइंदा भी इस तरह के हम जो है करते हैं। आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्रमोशनल अटेम्प्ट, इट्स वेरी रेयर इन कंट्रीज लाइक कनाडा एंड सो ऑन, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स टू लर्न बिकॉज इट्स वेरी इंस्पायरिंग। लाइक द इस्लामिक आर्ट्स लाइक आई सेड, इट्स वेरी रेयर इन कंट्रीज लाइक दिस बिकॉज नॉट अ लॉट ऑफ पीपल हैव कम अप विद द आइडिया। ये बताएंगे जो इस्लामी खताती है वो कितनी खूबसूरत नूर साहब ने बनाई? बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाई है। इस तो पहले मैं कोई अच्छी देखी नहीं जितनी खूबसूरत बनाई है। फिर उसने इस्लाम उजागर किया, कुरान शरीफ आया, आयात बड़ी खूबसूरत लिखिया, जड़े नायाब पारे हैं, बड़े अच्छे अच्छे पारे लिखे हैं माशाल्लाह। बहुत अच्छे सीनरी कुरान शरीफ के है, सब लिखे आयात, ये बरकत वाली हैं, जो अपने घर में ले जाए वो उसके लिए वो बरकत है, अच्छी रहमत है, अच्छी बात है। अल्लाह ताला इनको, इनके फन ज़्यादा अल्लाह ताला तरक्की दे और इनको उम्र और दराज करे इनकी। अजी मैं इस पे, इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है। इस्लाम में मुझे इजाज़त नहीं देता बेगैन आर्टिस्ट के मैं किसी का चेहरा बनाऊँ। मैं अपने पैगंबर की तस्वीर नहीं बना सकता, जिस तरह ईसाईत में या यहूदीत में या बाकी मजहब करते हैं। तो बीइंग एन आर्टिस्ट मुझे अपने मजहब में क्या करना चाहिए कि मैं अपना हिस्सा डाल सकूं इस्लाम की प्रमोशन में? तो इस्लामिक आर्टिस्ट जो थे या कैलीग्राफर, उन्होंने फिर कुरान को और हदीस को और बुज़ुर्गों के अकवाल को खूबसूरती के साथ लिखना शुरू। अरेबिक कैलीग्राफी जो है ये दुनिया में वाहिद आर्ट है जो एक लैंग्वेज पर बेस करता है। वरना आर्ट होता है ना कि आप लैंडस्केपिंग कर रहे हैं, आप पोर्ट्रेट बना रहे हैं, आप लाइन वर्क कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। ये दुनिया की वाहिद ज़ुबान है जिसमें कैलीग्राफी जो होती है उसको आर्ट का दर्जा है। तो मैंने ये फील किया कि आज जिस तरीके से इस्लाम का चेहरा बिगाड़ा जा रहा है, इस्लाम की जो तस्वीर है वो बिगाड़ के पेश की जा रही है, मैंने ये फील किया अमेरिका में रहते हुए कि मुझे एक आर्टिस्ट की हैसियत से, कैलीग्राफर की हैसियत से एक मुसलमान कम्युनिटी के लिए इन मुल्कों में क्या हिस्सा डालना चाहिए। तो मैंने फिर इस पे काम किया, मैंने वो उन आयात का इंतखाब किया जो सिर्फ खाली मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि पूरी इंसानियत के लिए है। मैसेज है, रंगों से, लाइनों से और ब्रश के स्ट्रोक से मैंने ये बताने की कोशिश की कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं मुसलमान हूँ, ये मेरा इस्लाम है और ये इस्लाम का मैसेज है। अच्छा ये बताएं, जब कलर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपके जहन में क्या होता है, कौन से कलर
जब आयात लिखते हैं तो कैसे कलर्स में जाएं? जी असल में वो मीनिंग मेरे जहन में होती हैं। मैं अल्लाह के फजल व करम से अरबी ज़बान भी बड़ी मैं फ्लुएंट बोलता हूँ, मैंने सीखी सऊदी अरबिया में, मैंने 20 साल काम किया। तो वो जो कलर्स हैं ना, दरअसल उनका इंतखाब होता है कि इसके पीछे जो अल्लाह ताला की आयात जो में अल्लाह का मैसेज है, जो कुरान का मैसेज है, उनको मैं कलर से वो शो करता हूँ। जिसमें मोहब्बत है, प्यार है, जिसमें सब के लिए अमन और सलामती है, मैं मीठे मीठे कलर इस्तेमाल, जिन चीज़ों में हमें इंतबाह किया जाता है और कहा जाता है कि खबरदार ये ना करना, उसमें मैं डार्क कलर इस्तेमाल करता हूँ, ये बताने के लिए कि रंगों की ज़ुबान से भी अपने मज़हब को उजागर किया जा सकता है। आप समझते हैं आप जो काम कर रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, आप इसमें कामयाब हैं लोगों को इस्लाम का पॉजिटिव एक जो पिक्चर है वो पेश करने में? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है। देखें मैं आपको बताऊं कि अगर मैं इसके अलावा कोई आर्ट के किसी शोबे में काम करता ना, ठीक है ना, तो मेरे जैसे आपको हज़ारों मिलते, और इस तरह एक्सक्लूसिव मेरी सोलो एग्जीबिशन ना होती, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अच्छा पोर्ट्रेट बनाने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा लैंडस्केप करने वाले लोग हैं, बहुत अच्छा। मैंने इसमें मेहनत की और मेहनत इस तरीके से की, और ये मेरी 30 साल रियाजत है कि मैं इसमें उस दर्जे पे आऊँ कि लोग देखें और कहें कि नहीं, ये जो काम हमने देखा है ये वाकई यूनिक काम है। तो मैं अपने तौर पे नहीं कहता, ये मेरे अल्लाह का करम है, मेरे रब का ये करम नवाजी है, और मेरे पाकिस्तान का मुझ पर एहसान है। ये आर्ट की तालीम मैंने पाकिस्तान से ली थी, मैंने यूरोप में या अमेरिका में नहीं पढ़ा, ये मेरे मुल्क की देन है जिसने मुझे आर्टिस्ट बना के बाहर भेजा, और मैं अपने मुल्क का नुमाइंदा और अपने मजहब का नुमाइंदे के तौर पर काम कर रहा हूँ। खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन इस्लामी खताती की यह नुमाइश कैनेडा और अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में जारी रहेगी। कैमरामैन साबरगया के साथ बदर मुनीर चौधरी, जियो न्यूज़।